जीविका दीदियों ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बनाने का काम शुरू किया है। इससे वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। एक रिपोर्ट। पूरा की जननी जीविका महिला सकुल संघ ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत उन्होंने राखी बनाने और बेचने का काम शुरू किया है। इसके लिए पहले 5 महिलाओं ने खुद प्रशिक्षण लिया और फिर दूसरी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। राखी बनाने वाली पूजा देवी बताती हैं कि महिलाएं एक से बढ़कर एक राखियां बना रही हैं। हम लोग का तो दीदी का मेहनत उन्नत देते हुए हम लोग सोचते हैं कम से कम 3 लाख से ऊपर टर्न ओवर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दीदी लोग के भी तो मेहनत है, उसमें अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग बिजनेस कैसे करेंगे। सब दीदी लोग का गाड़ी के पेट्रोल वेट्रोल सब ध्यान होता है, ये सब देखते हुए ना करना है। जिला परियोजना पदाधिकारी वंदना कुमारी ने कहा कि महिलाओं के प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है, राखियां बिक रही हैं और महिलाओं को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लखपति योजना हमारे जीविका का प्रोग्राम है, उसके तहत दीदियों ने खुद से इनिशिएटिव लेके पटना से एक ट्रेनर को बुलाया और कुल 5 दीदियों ने खुद ट्रेनिंग लिया राखी बनाने को लेकर के, और उन 5 दीदियों ने कुल 81 दीदी को अभी तक राखी बनाने के ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया है। लीक से हटकर कोई सोच हो और उस सोच पर योजनाबद्ध रूप से काम हो तो सफलता मिलती ही है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।